नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हम हमारी कक्षा 10 का गद्य जो 16 हैं चोरी, जिसके लेखक हैं यशपाल जैन, इस गद्य को समझ रहे थे। इस गद्य में कहानी यहाँ तक पहुँची थी। थोड़ा पहले कहानी को याद कर ले। इस कहानी में हमने क्या देखा था? तो इसमें हमने देखा था कि बिंदु जो हैं घर का नौकर, जो छोटा बच्चा है, ये कमरे में से झाड़ू और कूड़ा जब डालने जा रहा है, जब कूड़ा डालने के लिए बाहर जा रहा था, तो उनकी एक हाथ की मुट्ठी बंद करके वो पीछे रख कर कुछ लिए जा रहा था। मालती को शक हुआ कि हो न हो बिंदु कुछ ले जा रहा है, तो मालती बिंदु को आवाज़ लगाती है, लेकिन बिंदु जो हैं वो मालती की आवाज़ सुनकर तेज़ी से बाहर चला जाता है, भागने लगता है। तो मालती का जो शक था वो गहरा हो जाता है। जब बिंदु बाहर से वापस घर में लौटा तो उसे वो डांटती हैं, फटकारती हैं कि बता तू क्या ले गया था, लेकिन बिंदु जो हैं वो कुछ बोलता नहीं है, उसे कहता नहीं। तब वो कमरे में जाती हैं और अपने पति नंदन को बुलाकर लाती हैं कि देखो बिंदु कुछ ले गया है और कीमती चीज़ें, मुझे लगता है कि कुछ कीमती चीज़ लेकर बाहर चला गया है, हमने पूरा घर उनके विश्वास पर छोड़ रखा है और वो इस प्रकार कीमती चीज़ें उठा उठा कर लिए जा रहा है। नंदन को मालती का ये जो व्यवहार बिंदु के साथ था वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे मजबूरन बाहर आना पड़ता है और वो बिंदु को बिना खींचे बड़े प्यार से पूछता है कि बिंदु बता तू क्या लेकर गया था, लेकिन बिंदु कहता है कि मैं कुछ लेकर नहीं गया था। फिर भी वो उसे बड़े प्यार से पूछते हैं। इतने में मालती कहती हैं कि ये लातों का भूत है, ये बातों से नहीं मानेगा, उसे पुलिस में दे दो। तो बिंदु बेचारा और डर जाता है। फिर नंदन बड़े प्यार से पूछता है कि देखो मैं तुमसे खिजूंगा नहीं, मैं तुझ पर गुस्सा नहीं होऊंगा, तो मुझे सच बता दे कि तू क्या लेकर गया था। लेकिन बिंदु डर के कारण कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर मालती और नंदन बिंदु को लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ बिंदु कूड़ा फेंक कर आया था। वो वहाँ जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो फिर से नंदन जो हैं वो मालती से कहता है कि देखो ये बोल नहीं रहा है, उसने क्या लिया है। नंदन ने कहा बिंदु, फिर अंत में थककर नंदन बिंदु से कहता है कि बिंदु यो हैरान क्यों करते हो, बता दो कि तुम क्या लेकर आए थे। बार बार नंदन जो है बड़े प्यार से बिंदु से ये पूछ रहा था। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। बिंदु के होठ जो हैं वो खुले, जैसे कुछ कहना चाहते हो, फिर बंद हो गए। तो फिर से बिंदु मानो कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, उसने बोलने का प्रयत्न किया, लेकिन डर के कारण वो फिर चुप हो गया। हाँ कहो, रुक क्यों गए, नंदन ने शांत स्वर में कहा, बड़े शांति से प्यार से नंदन बिंदु से कहता है कि हाँ कहो क्या कहना चाहते हो, क्यों रुक गए बाबूजी। बिंदु फिर चुप हो गया, पहले तो बोला कि बाबूजी, फिर डर के कारण चुप हो गया। शाबाश, कहो कहो, नंदन प्रोत्साहन दे रहा है, सही बात उससे सुनने के लिए कहता है, शाबाश कहो कहो। बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे गिरी थी, मैं उठा लाया। तो क्या कहता है कि थोड़ी सी मेवा यानी काजू किशमिश आदि सूखा मेवा जो नीचे गिर गया था,
तो बिंदु उसे उठाकर ले गया था। क्यों ले गया था? खाने के लिए। वो छोटा बच्चा था तो उसे भी इन चीज़ों को, मेवे को देखकर उसे खाने का मन हुआ, तो बेचारा उठाकर उसे ले गया था। मैं उठा लाया, बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। वो बोल तो गया कि मैं थोड़ा सा मेवा नीचे गिरा था, उसे उठा ले गया था, लेकिन ये बात कहने पर उसने अनुभव किया कि जाने दुनिया का कितना बड़ा और गहरा पाप उसने कर लिया हो। बहुत वो शर्मिंदा हुआ। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी कि यह कुछ न कुछ ले ज़रूर आया है। तो मालती कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये कुछ न कुछ जरूर ले आया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना। तो मालती कहती है कि देखो, मेरी बात सच निकली ना, मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। पूछता है नंदन कि मेवा का तुमने क्या किया? तो कहता है मैंने खा ली। इतनी जल्दी बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो। अब इतनी देर में तो कोई मेवा खा नहीं सकता। तो कहती है मालती कि देखो बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। फिर कहता है कि मैंने नहीं खाई, इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश से पड़ी थी। फिर दोनों देखने जाते हैं तो जहाँ पर बिंदु ने बताया था वहाँ पर सच में थोड़ी काजू और किशमिश से पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा मेरे साथ आओ। फिर नंदन बिंदु के कंधे पर हाथ रखता है और बिंदु से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। अब बेचारा बच्चा था, सही बोल गया, मालिक ने कहा तो वो उनके साथ चला। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। नंदन बिंदु को लेकर कमरे में जाता है। मालती ने कहा आज उसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। तो मालती कहती है कि आज तो उसने मेवा लिया है, कल न जाने घर की कौन सी चीज उठा लेकर जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? एक बार व्यक्ति की नियत जो है वो बिगड़ जाती है तो क्या उसके बाद उनका हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। नंदन ने बिंदु की बात सुनी और उसे अनसुनी भी कर दी। सुनी अनसुनी यानी सुनने के बाद भी न सुना हो ऐसा व्यवहार करना। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कमरे और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला बिंदु लो खा लो। तो उसने मालती की बात जैसे सुनी अनसुनी कर दी नंदन ने और बिंदु को लेकर कमरे में गए। वहाँ उन्होंने कनस्तर मतलब डिब्बा खोला और डिब्बे में से थोड़ी सूखी मेवा यानी किशमिश और काजू मुट्ठी भर के बिंदु को दिया और कहा कि लो बिंदु इसे खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। आग बबूला हो जाना ये भी एक मुहावरा है और उसका अर्थ है बहुत गुस्सा आना। तो मालती के पति ने बिंदु के साथ जो नरम व्यवहार किया ये देखकर मालती बहुत ही गुस्सा हो गई। आग बबूला हो जाना मतलब बहुत गुस्सा आना, ये मुहावरा है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो मालती बहुत ही गुस्सा हो गई, बोली ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। मालती कहती हैं कि अगर नौकर बिगड़ते हैं तो उसी तरह बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। तो कहती हैं कि तुमने उसे कहा तो कुछ नहीं उल्टे उनकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। नंदन हंसते हुए मालती से कहते हैं
कि देखो मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती? तो हम ऐसी चीज खाए ही क्यों जो सबको नहीं मिलती? इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। ऐसा हम करते हैं इसीलिए चोरी का जो भाव है वो जन्म लेता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चला आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? कहते हैं हम तो रोज मेवा खाते हैं, रोज किशमिश बादाम आदि खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चला गया और उसने कुछ ले लिया तो क्या हो गया? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया है? बात मेवे की नहीं है, नियत की है। तो मालती कहती हैं कि मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया है? बात मेवे की भी नहीं है, बात नियत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, यानी उसे खाने का मन हो रहा था तो मुझसे मांग क्यों नहीं लिया? मैं न देती तब कहता, यानी कि मैं उसे देने से मना करती तब वो कहता। घर में 50 चीज़ें रहती हैं, यों तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा और एक दिन यही होना है, वह न कहेगा करेगा तो तुम कर पाओगे। तो मालती अब नंदन पर गुस्सा हो पड़ती है और कहती है कि घर में तो वैसे 50 चीज़ें रखी हुई हैं, यों जिस पर उसका मन आएगा और उठाकर उसे ले जाएगा तो एक दिन यही होना है कि ये उठाकर ले जाएगा, अगर ये नहीं करेगा तो तुम उनसे ये करवाओगे। यानी बिंदु तो चोरी नहीं करेगा लेकिन नंदन उनसे करवाएगा, ये कहना था मालती का। यानी मालती का गुस्सा अब नंदन पर भी बरस पड़ा। मालती यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। तो नंदन मालती से कहता है कि ये बात नाराज होने की नहीं है, ये बात सोचने की समझने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। नंदन कहता जब तक सभी चीज़ें सबको नहीं मिलती तब तक चोरी कभी बंद नहीं होगी। चोरी अच्छी नहीं है पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई। चोरी करना ये अच्छी बात नहीं है लेकिन आज की परिस्थिति जो है वो बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए मालती से कहा। देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं, ट्रंक यानी सूटकेस ब्रीफकेस। तो कहता है कि देखो ये एक दिन घर में से ट्रंक उठाकर ले जाएगा और अगर न ले गया तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर बैठा। मालती इतना कहकर रसोई में चली जाती हैं और नंदन फिर से पुनः कुर्सी पर बैठकर कुछ करने लगे, पर मन उसका दूसरी दिशा में चल रहा था। लेकिन आज उनका मन दूसरी दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। वो फिर से विचारों को एकत्रित करके अपना जो लेख वो लिख रहे थे उसे पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। नहीं देर में वो उठा और सीधे रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। तो देखते हैं तो मालती जो है वो सिल पर चटनी पीस रही थी। नंदन ने कहा बिंदु कहाँ है? नंदन पूछता है कि बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जानो। मालती का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो कहती हैं कि मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? तो बिंदु कहता कुंदन कहता कि तुमने बिंदु को निकाल दिया। मालती कहती हैं कि निकालने वाली मैं कौन होती हूँ, कब से नहीं है? नंदन पूछता है। तो मालती कहती हैं तभी से
चला गया था, जब एक घटना हुई तब से वो चला गया है। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा, अब नंदन को थोड़ी हैरानी हुई। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। मालती कहती है कि तुम यहाँ के नौकरों को नहीं जानते, वो अपने खुद के घर में भी चोरी करते हैं, अपने घर में भी उनका हाथ नहीं रुकता, मतलब अपने घर में भी ये लोग चोरी करते हैं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। कुंदन के घर में कितना अनाज है, फिर भी एक दिन उन्होंने काका के घर से गेहूँ जो है वो चुरा ही लिया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है, नंदन मालती के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था, तो उसने सोचा कि इनके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। तो उसने मालती से ज़्यादा बहस नहीं की, सिर्फ तौलिया उठाकर वो स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया, स्नान करने के बाद उसने खाना खाया। दोपहर बीती और शाम होने को आई, तो धीरे धीरे दोपहर भी बीत गई और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा, तो देखा कि फिर भी बिंदु नहीं आया, तो अब मालती को थोड़ी चिंता होने लगी, उनके मन को अब शांति नहीं मिल रही थी। चौक में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था, तो रसोड़े में अब भी बिंदु की थाली झोंकी त्यों पड़ी हुई थी। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही हैं, फिर उसे पछतावा होने लगता है। मन ही मन सोचती हैं कि झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर बालक ही तो हैं, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। सोच के बेचारा भूखा होगा, न जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगा या कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। कई बार वो कमरे से बाहर आई, बाहर आकर मालती ने देखा कि बिंदु आया कि नहीं, फिर वो बगीचे में पूरा एक चक्कर लगाकर आती है कि कहीं घर के बगीचे में कोई झाड़ के नीचे पेड़ के नीचे ये पड़ा सो तो नहीं रहा है। पर बिंदु वहाँ कहाँ था, जो मिलता मालती आकर तो, लेकिन बिंदु वहाँ नहीं था, वो वहाँ कहाँ था जो उसे मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया। अब मालती बाहर घर में आती हैं, पलंग पर पड़ती हैं, सोती हैं और सोचने लगती कि इतनी सी बात को, जरा सी बात को मैंने इतना तुल क्यों दिया, यानी इतना ज़्यादा महत्व क्यों दे दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था, अब ये बच्चा था, थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी, सहन यानी आंगन के बीच का खुला हिस्सा, तो सोचते सोचते वो आंगन के खुले हिस्से में टहलने लगी। इतने में कुंदन इधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या। इतने में कुंदन जो एक दूसरा नौकर था वो वहाँ से निकलता है, तो मालती उत्सुकता से उसे पूछती हैं कि कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या। बिंदु कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। तो कुंदन कहता है, बिंदु हाँ वो तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई, तो मालती तुरंत पैरों में चप्पल पहनकर वहाँ से घर से बाहर निकल गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था, घर आई तो बिंदु उनके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने उसकी बात,
यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। वो हाथ पकड़कर बिंदु को नंदन के कमरे में ले गई और वो नंदन से कहने लगी कि देखो, तुमने उनकी बात सुनी, यह जहाँ से यहाँ से गया है, जब से यहाँ से गया है वहाँ, तब से ये कोठरी में ही पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। नंदन पूछता है कि क्यों, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? लेकिन बिंदु चुप रहता है। मैं पूछता हूँ, वहाँ क्या कर रहा था? फिर भी चुप। फिर से नंदन पूछता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तू वहाँ क्या कर रहा था? अरे, बोलता क्यों नहीं है, मुँह में जबान नहीं है? पूछता है कि तू जवाब क्यों नहीं देता, क्या तेरे मुँह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई, उनकी आंखें भर आई। आंखें डबडबा आना मतलब आंखें भर आना। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। मालती कहती है कि उनका पागलपन तो देखो, सवेरे से उसने कुछ भी नहीं खाया पिया है और भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा है, चल खाना खा। कहती हैं, चल खाना खा ले। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौक में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। नंदन बिंदु से कुछ कहे उनके पहले ही मालती स्वयं उसे चौक में ले गई और उसे चौके पे ले गई और रसोई में ले गई और उसे परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। कहती हैं कि पेट भर के खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। नंदन ने जब मालती को बिंदु से कहते सुना कि देखो, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना, तो उनकी बात सुनकर एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। ये मुस्कुराहट ये एक भाववाचक संज्ञा है। मुस्कुराना शब्द में हट प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बनती है मुस्कुराहट। मुस्कुराना, तो मुस्कुराहट ये भाववाचक संज्ञा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बिंदु एक छोटा बच्चा है और नौकर भी हैं, उनके मालिक नंदन, मालकिन मालती और उनके बीच का जो एक घटना चक्र है उनके बारे में हमने उसे समझने का प्रयत्न किया। मुझे लगता है कि आपको ये जो गद्य है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उनका स्वाध्याय जो है वो आपको अपनी बुक्स में पूरा लिख लेना है, पूरा लिखकर उसे रखना है। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।